बोले प्रभु क्या हो गया, लगता है शरीर में बड़ा दर्द है। बोले हाँ। बोले कैसे हो गया? बोले एक बहुत बड़ा बंदर ने मेरे को लात मार दी। बोले बंदर ने आपको लात मारी? किसके इतना हिम्मत, उसका नाम बताओ, पृथ्वी बंदर सुन्न कर दूंगा। किसका इतना हिम्मत हुई है प्रभु, बताओ उसका नाम क्या? बोले उसका नाम श्री वीर हनुमान। बोले प्रभु मैंने आपको लात मारी? भगवान ने कहा हनुमान तेरे जैसे वीर, रावण को एक मुक्का मारा तो रावण जैसे व्यक्ति भी तेरे मुक्के से बेहोश हो गया, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शंकर जी है। तुमने वो तेली को लात मारी, उसको कुछ हुई? बोले प्रभु मैंने देखा तो इधर उधर होकर चुपचाप बैठ गया। बोले हनुमान जी मैं और मेरे नाम में कोई फर्क नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। जब वो मेरे नाम को ग्रहण कर रहा था, मैं स्वयं विद्यमान था। तुमने जो लात मारी वो मेरे ऊपर लगा है। हनुमान जी तो कान पकड़ लिए। बोले प्रभु भविष्य में कभी मैं ऐसे गलत काम नहीं करूंगा। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान ये नाम में सारी शक्ति दे दिया, और बोले किसी समय में भी भगवत नाम को तुम ले सकते हो। लेकिन ये कलिजुग जो जीव है ना, ये कलिजुग का जो जीव देखो कैसे है, तब भी ये हरि नाम को ग्रहण नहीं करते हैं, इतने आसानी रखने पर भी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भैया ये कलिजुग का जीव का कल्याण कैसे होगा, इनकी कल्याण कैसे होगी। इसलिए श्री परीक्षित महाराज, इसलिए उन्होंने ये कलिजुग का स्थान दे दिया। यद्यपि कलिजुग में कलह है, कलह है, आपको पता होगा, बहू बहू में कलह है, भाई भाई में कलह है, पड़ोस में कलह है, देश देश में कलह है, कि जिस ऑफिस में जाओ वहां पर भी झगड़ा है, क्योंकि ये युग ही कलिजुग है। लेकिन ये कलिजुग में सबसे एक सरल उपाय क्या है, भगवत नाम से ही जीव का कल्याण होगा। इसलिए कहते भैया ये जीवन पाकर क्या करो, उठते बैठते चलते फिरते भगवान की नाम को जरूर जपा करो। एक बार सब हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन श्री परीक्षित महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे। आज उनको इतनी तेजी से प्यास लग रही थी, कभी जिंदगी में इतने प्यास लगी नहीं। पानी ढूंढते ढूंढते एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, लेकिन वो ऋषि सचमुच से भजन ही कर रहे थे, भक्ति में डूबे हुए थे। उनको पानी पानी बोल करके चित्कार करते हुए पानी मांगे, लेकिन पानी नहीं दिया तो उनको गले में एक मृत सर्प को डाल दिया। लेकिन उसको बेटा के जब पता चला, उसने कौशिकी नदी के पानी को लेकर उन्होंने मंत्र पूर्ण की और उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प को डाला, मैं अभिशाप देता हूँ सप्तम दिवस में उनका तक्षक दर्शन करेगा। लेकिन ये बात जब परीक्षित महाराज को पता चला मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ ना, वो दुखी नहीं हुए, सुखी हुए। बोले क्यों? अगर हमें कोई बोल दे 7 दिन के बाद में मरोगे, तक्षक दर्शन करेगा, बताओ क्या करोगे? बताओ अब क्या करोगे? सुनते ही उस समय आधा ही मर जाएंगे। दिन रात तो सार की चिंतन करते करते नींद नहीं आएगी। लेकिन श्री परीक्षित महाराज दुखी नहीं हुए, सुखी हुए। बोले क्यों? बोले देखना मरने से एक सेकंड पहले किसको पता नहीं चलता है मैं मरने वाला हूँ, लेकिन देखो ठाकुर जी की कृपा, देखो ठाकुर जी मेरे को 7 दिन पहले सूचित कर दिया मैं मरने वाला, लेकिन 7 दिन अंदर नहीं मरने वाला, कब मरूंगा? ये 7 दिनों को बाद में मैं मरूंगा। कम से कम ये 7 दिन तक मैं भगवान की भक्ति करते करते, भगवान की कथा सुनते सुनते जीवन को बिता दे। अगर हमें पता चल जाए ना 7 दिन में मरोगे, जितने बढ़िया खा पी कर भी मरना है ना, जितना चलो खा पी करके अपना जीवन को बिता दे। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि उनको पता था ये जो जीवन है ये अनमोल है, ये मानव शरीर नहीं, कहते ये कोहिनूर हीरे ठाकुर हमें दिए, ये कोहिनूर हीरे ठाकुर जी दिए है, ये मानव शरीर नहीं,
जिसके लिए भगवान राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। ये मानव शरीर नहीं, ये 84 लाख जन्म के बाद में एक ही जीवन हमें मिले, केवल एक जीवा ठाकुर ने दिया, जिस जीवा से हम कृष्ण कृष्ण राम राम बोल सकते। और किसको बोलो, कृष्ण कृष्ण राम राम बोल कोई बोल सकता है? केवल 2 चरण हमें दिए, जो कि घर से यहाँ तक सत्संग में आए, यहाँ पर और भी सत्संग में आया है, केवल 2 ही कान दिए जिससे हम भगवान की कथा सुन सकते हैं, केवल 2 ही नेत्र दिए हैं जिससे हम ठाकुर का दर्शन कर सकते हैं, केवल 1 ही हृदय दिए जिसको द्वारा हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये मानव शरीर नहीं, कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ये 84 लाख जन्म भटकते भटकते मानव शरीर पर नहीं, हमने ये मुक्ति के दरवाजा पर ही पहुंचे। लेकिन ये पाई न जई पर लोक सवारा, लेकिन जिनको ठाकुर ने ये मानव शरीर दिए, कुत्ते गधे खा पी कर जैसे बच्चे जन्म देकर मर गए, अगर हम भी ऐसे ही अगर ये जीवन को खा पी करके सो करके मौजी मस्ती करके अगर हमने बर्बाद कर दिया, तो भगवान कहते हैं देखो अयोध्या वासियों, फिर तो सर पिटते रह जाओगे, लेकिन ये मानव शरीर हो नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर क्या है, कहते सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गवा। भगवान राम एक बहुत अच्छी भगवान बात कहते हैं, देखो हम इसी जगत में पुण्य कर्म करके स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन इस स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं जो करके फिर मानव शरीर पा सकते हो। स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं, जे कोई अच्छे कर्म किया फिर तुम ये भारत भूमि में किसी सनातन धर्म में पर ये मानव शरीर मिलेगा, वहां पर ऐसे कोई काम नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो जीवन है सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर दुर्लभ है, हैं? इसलिए भगवान हमें कृपा कर दिए, मानव शरीर दिए है, इसलिए ये जीवन पाकर क्या करनी चाहिए, भगवान की अगर प्रभु की भक्ति कर लिया तो समझो ये जीवन हमारे धन्य हो गया। इसलिए जिस समय श्री परीक्षित महाराज को ये पता चला मेरे पास में कुल 7 दिन है, कितना दिन है पता हमारे पास में कितना दिन है, आपके पास में 7 दिन है, कैसे है? हाँ देखो उनको पास में उनको पता था 7 दिन के अंदर में वो मरने वाला नहीं, लेकिन हम कोई कह सकते हैं? हमने जो अभी श्वास छोड़ा है हम दूसरा बार भी श्वास ले पाएंगे, कोई बता सकता है दूसरा बार श्वास ले पाएंगे? इसलिए प्रह्लाद महाराज बच्चों को कहते बच्चों कौमार आचरित प्राज्ञा, भगवान की भक्ति 5 साल से ये भक्ति शुरू कर देनी चाहिए 5 साल से। बच्चों ने कहा प्रह्लाद 5 साल से क्यों करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे भक्ति करेंगे। तो प्रह्लाद कहते देखो बच्चों तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है, बताओ हमारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है, कोई बता सकता है इतना दिन जीवित रहेंगे? बोले नहीं, बोले अभी अगर नहीं फिर अगले जीवन में भक्ति करेंगे। फिर प्रह्लाद कहते हैं दुर्लभ मनुष्य जन्म, भैया ये मानव शरीर ठाकुर जी दोबारा नहीं देते हैं, ये दोबारा जीवन मिलने वाले नहीं। इसलिए बोले तृणम, तृणम मतलब क्या है, कहते ना कल कर सो, कल कर सो आज करो, करो आज कर सो आओ। इसलिए पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी काम, इसलिए कहते भैया दूसरे दूसरे काम को थोड़ा पीछे कर सकते हो कर लो, लेकिन जो प्रभु की भक्ति है ना इसके लिए कभी ढेर नहीं करनी चाहिए, हैं? इसलिए श्री परीक्षित महाराज ने सोचा कि उन्होंने अपना बेटे को उन्होंने राज सिंहासन में बैठा दिया, राज तिलक लगा कर उन्होंने गंगा किनारा में उन्होंने प्राय व्यसन की। प्राय व्यसन मतलब होता है जब तक मृत्यु नहीं आ जाए तब तक हम पानी तक भी नहीं पिएंगे। उन्होंने आश्रय किसको लिया, बोले गंगा को। बोले ये गंगा कौन है, बोले ठाकुर जी की चरणामृत, ठाकुर जी की चरणामृत मतलब ठाकुर जी की चरण और चरणामृत में कोई
भरत हरि हो, एक ही वस्तु है। मानो उन्होंने ठाकुर जी के चरण को आश्रय लिए। देखो अब जैसे टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, इंटरनेट है, पहले ये सब कुछ थी नहीं, लेकिन ऋषियों के पास में ऐसे दिव्य ज्ञान होता था। जितने पृथ्वी में ऋषि लोग थे, अपने आप उनको पता चला अभी श्री सुतो गोस्वामी आएंगे, अभी ये श्रीमद् भागवत कथा होगी, वहां पर 88,000 ऋषि एकत्रित हो। परीक्षित महाराज बोले, ये लगता है मेरे ऊपर में अभिशाप नहीं, ये संतों का वरदान है। क्योंकि जीवन में अगर एक संत दर्शन हो जाए ना, जीवन धन्य हो जाए, एक संत दर्शन हो जाए। लेकिन आज देखो यहाँ पर 88,000 संतों के दर्शन, ये अभिशाप नहीं, लगता है मेरे ऊपर में ठाकुर का कोई आशीर्वाद है, है कोई आशीर्वाद है। तो उन्होंने सबको प्रश्न करते ही कहते, अद्य वा अब्द शतान्ते वा मृत्यु वही प्राणी नाम, आज हो नहीं तो कल हो, नहीं तो परसों हो, एक दिन सबको मरना ही है। कोई नहीं बोल सकता हम इतना दिन तक जिंदा रहेंगे, हैं? एक दिन सबको मरना पड़ेगा। बोले आप लोग कृपा करो, ये बताइए हमें क्या करनी चाहिए। लेकिन कहते नासो मुनिर्जस्य मतम न भिन्न, ऐसे कोई मुनि का मत नहीं था जो अलग नहीं। किसने कहा भैया जो विघ्न विनाश है श्री गणेश जी की पूजा करो, क्योंकि उनकी पूजा करने से विघ्न दूर हो जाता है। किसने कहा कि उसका मैया क्या कहीं चली गई, उसी मैया को जगदम्बा जगत जननी नवरात्रि करो ना। अरे भाई नवरात्रि ना देने के लिए इनको तो 7 दिन केवल इनको पास में। किसने कहा भैया मृत्युंजय कवच को पाठ करो, बोले भैया अभी 48 दिन का है, लेकिन इनको पास में केवल 7 दिन ही है। वहां पर तो सब ऋषि लोग अलग 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 बात करने लग गए। अभी परीक्षित महाराज सोच रहे हैं, भैया लगता है जितने ऋषि बैठे ना, एक एक अभिशाप है, क्योंकि अगर मैं एक का बात सुनो और एक का बात नहीं सुनो फिर क्या होगा। बोले क्या मैं किस चीज की मैं क्या कमी हूँ, तुमने मेरी बात नहीं सुन करके उसकी बात को तुमने सुनी, हो सकता है दूसरा हमें फिर अभिशाप हमें नहीं दे दे। फिर उन्होंने श्री ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गए। बोले हे ठाकुर जी, हे बांके बिहारी, मातृगर्भ में आप ही मुझे दर्शन दिया था, आप ही मेरे को रक्षा किया अस्वस्थमा की ब्रह्मास्त्र से। इसी समय मेरी केवल एक इच्छा है, केवल तुम्हारी कथा सुनते सुनते मेरी 7 दिन बीत जाए, आप किसी तरह से ये व्यवस्था कर लो। भगवान कहते हैं, तेसाम सतत जुक्ता नाम भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगमतम। भगवान कहते हैं अगर अंतर हृदय से अगर मेरे को कोई बुलाता है मैं आवाज देता हूँ, हैं? अगर हृदय से कोई मेरे को पुकारे ठाकुर जी हमें रास्ता दिखाओ, मैं रास्ता दिखाता हूँ। इसलिए जब हृदय से ठाकुर जी की चरण में शरणागत हुए, मानो ठाकुर जी श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में ठाकुर जी स्वयं प्रकट होते हैं। बोले श्री सुखदेव महाराज की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की। जब श्री सुखदेव गोस्वामी आए, कभी कृष्ण प्रेम में कभी नाच रहे थे, कभी गा रहे थे, कभी लौट पोट उठा रहे थे, बच्चे उनको ऊपर में धूल धूल झोंक रहे थे, स्त्रियां तो इनकी रूप देख देख करके निहाल रही थी, ये साक्षात क्या कोई काम देव है, इतने सुंदर थे श्री सुखदेव गोस्वामी। और उन्होंने सिद्धाए वहां पर उनको पिताजी के पिताजी के पिताजी भी बैठे हुए थे, सबको उन्होंने प्रणाम किया, सबको उन्होंने आदर दिया है। आदर दे करके उन्होंने सिंहासन में बैठ गए। जब बैठ गए श्री परीक्षित महाराज, उन्होंने तो प्रश्न भी जड़ लगा दिया, हैं? देखो इनकी कितने बढ़िया प्रश्न है। बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि जो दिनांग परमं गुरु पुरुषस्य जत कर्तव्य मृगमानस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धि, इनका प्रश्न है ये जगत कल्याण के लिए, क्यों संत है ना, संत तद वसुधैव कुटुंबकम्, संत तो सबको अपना एक परिवार मानता है, हम एक पिता का ही सबके सब संतान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, उनकी भावना क्या है,
जगत में सबको सुख मिले, सबके सब निरोगी बने रहे और सबके सब भगवान की भक्ति करे, संतों का प्रश्न है ना। इसलिए उन्होंने प्रश्न की, बोले अतः पृच्छामि समसिद्धि। समसिद्धि का मतलब होता है जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को यह अनुभूति हो जीवन में हमें सारे सुख मिले, जीवन में हमें किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन आप इसे दुनिया में देखो, बड़े से बड़े व्यक्ति, पैसा वाले व्यक्ति को पूछ लो, अरब खरब पतियों को पूछ लो, क्या तृप्त हो गया? टाटा बिरला को, अंबानी को पूछ लो, इतने पैसा में तुमको क्या तृप्त हो गया तुमने? वो सोचता होगा पृथ्वी का सबसे बड़ा पैसा वाला मैं होना चाहिए। इसलिए बोले राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु के भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुख भिखारी। जगत में संपूर्ण तृप्त कौन है? जगत में केवल एक व्यक्ति तृप्त है जिनको हरि की भक्ति मिल गई। इसलिए तो ध्रुव महाराज को ठाकुर जी दर्शन दिए, ध्रुव जी को ठाकुर जी क्या कह दे, बोले ध्रुव मैं ऐसे एक देवता हूं, ऐसे कोई चीज नहीं जो मैं दे नहीं सकता। जी भर करके मांग ले, जी भर करके मांग ले, सब देवता को सब मांग नहीं दे सकते, नहीं दे नहीं सकते, केवल भगवान कृष्ण विष्णु ही सब दे सकते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ वरद है। बोले मांगो तू जी भर करके मांग ले। लेकिन ध्रुव क्या कहता है, बोले प्रभु पहले मैं मूर्ख था, इसलिए राज्य लोभ से आपको भजन करने के लिए आया था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कांच के टुकड़े ढूंढते ढूंढते अगर उसको पारस मणि मिल जाए, जगत में से कौन सा बेवकूफ होगा जो कि पारस पत्र छोड़ के टूटे फूटे कांच को ग्रहण करेगा? आपका चरण तो ऋषि मुनि देवताओं के लिए भी आपके चरण दुर्लभ है प्रभु, आप दर्शन हो गया, मैं तृप्त हो गया, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ अगर देना चाहते हो संतों की संगत दे दो, जिसकी संगत में रहने पर तुम्हारी कथा सुनते सुनते मन तुम्हारी चरण में लगे रहे। इसलिए इनका प्रश्न है ऐसे कौन सा वस्तु है, और इनका दूसरा प्रश्न है जीव का क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। जब उन्होंने प्रश्न की तब श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो गए, बोले वाह, बोले बरियान सते प्रश्न, बोले तुम्हारे जो प्रश्न हैं सारा दुनिया को कल्याण करने वाले तुम्हारी प्रश्न हैं। जिस प्रश्नों का आदर बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी, जो आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति भी तुम्हारे प्रश्न को सराहना करेंगे। तो उन्होंने बोले देखो ये जो मानव शरीर हमें दिया भगवान बड़े भाग्य से दिया, ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिला, लेकिन हम ये जीवन को पा करके हम किस रूप में बिताते हैं? बोले दिन में दो काम करते हैं और रात को दो काम। बोले दिन में दो काम क्या करते हैं? बोले पैसा कमाओ और पैसा के द्वारा अपना फैमिली को मेंटेनेंस करो। बोले रात को विश्राम करो और विषय भोग संतान उत्पत्ति। बोले देखो ये जो चार काम इंसान करता है ये तो और किसी जीवन में भी ये चार काम कर सकता है। कोई पशु पक्षी को देखो तो यही काम करते हैं। देखो कोई भी पशु, किसी कुत्ते को देखो, सुअर को देखो, बिल्ली को देखो, क्या करते हैं? यही तो चार काम करते हैं। बच्चों को जन्म देते हैं, पालन करते हैं, खाते पीते सो जाते मर जाते हैं, ये भी तो यही काम कर रहे हैं। इससे क्या और ज्यादा क्या कर रहे हैं? लेकिन अगर ये जीवन पा करके कूल हम ये चार काम करते हुए अगर ये जीवन को बिता देते हैं, कहते जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं। लेकिन ये मानव शरीर को फिर इतने श्रेष्ठ क्यों बताया हर शास्त्र? बोले एक ही कारण है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। केवल ये मानव शरीर में जो ब्रह्म को भगवान को केवल इसी मानव शरीर से ही हम प्राप्त कर सकते हैं और किसी जीवन में हम भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते। इसलिए ये मानव शरीर को इतने श्रेष्ठ जीवन बताए। अगर संसार का सारे कर्तव्य करो लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं करो तो लास्ट में गोल है, लास्ट में गोल है, लास्ट में जीरो ही है। इसलिए गोस्वामी
तुलसीदास एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, देखो ये चीज को अच्छी तरह समझो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले राम नाम की अंक है सब साधन की सुना, अंक गए कछु हाथ में अंक रहे दस। देखो क्या उदाहरण दिया, देखो आपसे प्रश्न करता हूं बोलना, जैसे एक रखो और सीधा हाथ में एक सुना दो, बताओ तो कितना होगा, जोर से बोलो, एक रख करके एक सीधा हाथ में एक जीरो दो, कितना होगा, दस होगा। पहले कितना था, एक था, लेकिन जब एक जीरो दे दिया ना, वो एक झट दस गुण हो गया, और एक जीरो दो कितना होगा, सौ। पहले कितना था, दस, लेकिन जब एक जीरो दे रहे हो वो दस गुण ज्यादा हो गया, और एक जीरो दो कितना होगा, हजार। लेकिन देखो एक 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 रख करके जब एक एक जीरो दे रहे हैं वो दस 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 गुण हो रहा है, वो कहते अभी एक को हटा लो, अभी जीरो दो कितना होगा, और एक जीरो दो, और एक जीरो दो, और एक जीरो दो, कभी जीरो जीरो ही है, इसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन वैल्यू किसकी है, एक ही। गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं भैया ये एक किया और ये जीरो किया है, और जो एक है ये राम की भक्ति कृष्ण की भक्ति ये एक है, बोले ये संसार क्या, बोले जीरो है, ये संसार क्या है, ये जीरो है। क्यों, जैसे एक धर्मशाला का जैसे परिचय होता है ना, जैसे धर्मशाला में रहो, अलग अलग देश से लोग आते हैं, रात को बैठ करके हम गप्पे मारते हैं, सवेरे होते ही सब चले जाते हैं, यहाँ पर केवल गप्पे मार रहे हैं और कुछ नहीं, तू मेरी बीवी, मैं तेरे पति, तू मेरे बेटा, तू मेरे पिता, तू मेरे पुत्र, तुम्हारी साला, ये केवल गप्पे मार रहे हैं और कुछ नहीं, जिसका समय आएगा ना यहाँ से उसको उतरना पड़ेगा। लेकिन ये जीरो है, लेकिन ये जीरो हीरो बन सकता है, बोले कब, जब भगवान की भक्ति में जुड़ जाएंगे। ये संसार ठाकुर का संसार है, बच्चे ठाकुर जी का है, जो पैसा कमाते हैं ठाकुर सेवा के लिए, अगर प्रभु की भक्ति को साथ में अगर हर चीज को जोड़ देंगे तो ये हीरो हो जाएगा, अगर प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे तो सब में सब जीरो है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित तीन साधन है, तीन तरह का साधन है, एक भगवत स्मरण है, एक कीर्तन है, और एक उनकी कथा श्रवण है, ये तीन तरह का भगवान की भक्ति है। लेकिन विशेष करके सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है, भगवान की नाम संकीर्तन, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति, जितने भक्ति में सर्वश्रेष्ठ ठाकुर की नाम कीर्तन भक्ति है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजय तिस कृष्ण संकीर्तनम, अगर जीवन में प्रभु का नाम कीर्तन करेंगे केवल प्रभु की नाम कीर्तन के द्वारा ही जीव का परम गति और परम शांति और जीवन में भगवत दर्शन प्रभु की नाम से हो सकती है। एक बार सबके सब हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अब लोग मेरे पीछे से एक मिनट ठाकुर का थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। कोई सोना नहीं, आज एकादशी है, और आज कौन सा तिथि है, आज गीता जयंती है, आज का दिन हमारे हिंदुओं का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जैसे मुसलमान का पुराण है और क्रिश्चियन का बाइबल है, और हमारे हिंदुओं का कौन सा ग्रंथ है, कौन सा है, ये भगवत गीता है। इसलिए आज गीता की प्रादुर्भाव दिवस है, इसलिए आज हमारे हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा शुभ तिथि आज है, ठीक है। सबके सब मेरे पीछे पीछे मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए कीर्तन करना है। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
उनका तीन काम हो जाता है। क्या क्या तीन काम हो जाता है बोलो, कौन बोलेगा? मैं कल बोला था, परसों भी बोला, फिर भूल गए। जोर से बोला, बोलो जोर से। इसलिए भगवान की, देखो भगवान के नाम करने से क्या होता है, कहते एक तो, और एक बार सुना, भगवान के नाम जो जप करना शुरू करते ही कहते श्री जमपुरी में जम महाराज जब चित्रगुप्त को बुलाता है। चित्रगुप्त कौन है? हमारा जीवन का लेखा जोखा जो करता है। वो क्या कहता है? बोले रजिस्टर लाओ, इसका नाम को यहाँ से काट दो। बोले क्यों? बोले भगवान का नाम जप कर रहा है ना, और ये नर्क नहीं आएगा। दूसरा काम क्या है? बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती है रजिस्टर लाओ, उसका नाम को लिख दो। बोले क्यों? बोले ठाकुर का नाम जप कर रहा है, सीधा मेरे धाम में गोलोक वृंदावन आएगा। तीसरा काम क्या है? ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू करते हैं। बोले क्यों? बोले भगवान का नाम ले रहा है ना, जब वो भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक को पार करते हुए वृंदावन जाएगा, उसको मैं रास्ता में आरती उतारूंगा। बोले जो व्यक्ति प्रभु की नाम जप करना शुरू करता है उसका कितना लाभ है। लेकिन भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते, बोले माँ, बोले ये ठाकुर का नाम कौन कर सकता है? कहते चार व्यक्ति ही केवल ठाकुर का नाम जप कर सकते। कौन कर सकते हैं? कौन कौन वो चार व्यक्ति? मैं आज बोलूंगा, कल आपसे सुनूंगा, इसे ध्यान देकर सुनो, ठीक है? मन लगा कर सुनो। ये भगवान कपिल देव अपना माँ को स्वयं कहते, बोले माँ, कहते अहो बत सपोच अतो गरिया जत जिहाग्र वर्तते नाम तुभ्यम। बोले हे माँ, बोले संपूर्ण जिहा नहीं, जिनकी जिहा की अग्रदेश में केवल मेरे नाम उच्चारण होता है। बोले माँ क्या समझनी चाहिए? ये समझो पूर्व जन्म में उसने चार काम करके आया है। बोले चार काम क्या है? बोले जितने तरह का तपस्या है पूर्व जन्म में मानव सारे तपस्या कर चुका है। दूसरा काम किया, बोले पृथ्वी में जितने तरह का दान है, जैसे स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, अन्न छत्र खोलना, जितने तरह तरह का दान पुण्य है पूर्व जन्म में उसने सारे दान कर चुका है। बोले तीसरा काम किया है, पूर्व जन्म में उसने जितने तरह का यज्ञ, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, जो बड़े से बड़े यज्ञ पूर्व जन्म में कर चुका है। बोले चौथा काम किया है, बोले पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, पृथ्वी में कितना तीर्थ है? बोले कितना तीर्थ है? बोले 6 अरब तीर्थ है पृथ्वी में, 6 अरब तीर्थ है। बोले पूर्व जन्म में समझो उसने 6 अरब तीर्थ कर चुका है, और इसी जीवन में तब भी इसकी जिह्वा की अग्रदेश में वो मेरे नाम को ले रहा है। कद अगर पूरी जीवा में मेरे नाम ले रहा है, समझना उसकी तो महिमा बता ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ठाकुर का नाम जप करते हैं बड़े पुण्यात्मा हैं। इसलिए जिस समय श्री नारद जी दशरथनाकर को बोले, बोले बोलो तो राम, बोलो बोलो, लेकिन उसको मुंह से नाम राम का नाम नहीं निकला। क्यों? वो पापी था ना, इसलिए कहते पापियों को मुंह से ठाकुर का नाम नहीं निकलता है, उसको मुंह से राम का ही नाम नहीं निकला। बोले तू मरा मरा बोलता था, बोले हाँ मारो मारो, बोले मरा मरा तो बोल सकते, बोला इतना तो बोल सकता हूँ, लेकिन उल्टा नाम जप करते करते दशरथनाकर जैसे वाल्मीकि बन सकता है। अगर हम सीधा नाम करते फिर हमारा क्या नाम लाभ नहीं होगा। इसलिए सबके सब पीछे पीछे ताली बजाते हुए मीठी मीठी सबके सब नाम करके बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए। ब्रह्मा सर्वप्रथम उन्होंने चतुष्पद को सृष्टि की, फिर उन्होंने श्री भगवान श्री रुद्र देवता को सृष्टि की, फिर श्री कर्दम ऋषि दस संतान, फिर ब्रह्मा जी अपना शरीर से मनु और शतरूपा को सृष्टि की। यही मनु शतरूपा से उन्होंने तीन बेटी और दो बेटे जन्म हुए। बोले तीन बेटी कौन है? आकुति देवहूति प्रसूति और उत्थान पाद और प्रियवर्त। यहीं से ये सृष्टि प्रारंभ हुई। हम लोग मनु महाराज से हुए हैं, इसलिए हमें कौन क्या कहते हैं? हमें कहते मानव। हमें क्या बोलते हैं? मानव। लेकिन हमारे जो डार्विन थ्योरी सुने होंगे, एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम डार्विन है, कहते जानते उसने क्या बताया? बोले नहीं, हम तो बंदर से हुए हैं। हमारे जो पूर्वज लोग ना बंदर थे, और ये बंदर का पूछ कटते 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 जो खत्म हो गया ना, हम इंसान हो गए। लेकिन हमारी शास्त्र ये नहीं कहता है बंदर से हुए। देखो जो महापुरुष जो बैठे श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, इन्होंने अमेरिका जाकर इस चीज को प्रचार किया। बोले हम लोग कोई बंदर से नहीं हुए हैं, हम लोग ठाकुर जी से हुए। बोले ये डार्विन ये बंदर से हुआ है, इसका जो पिता माता नहीं बंदर से हुए, लेकिन हमारे पिता माता कोई बंदर से नहीं हुए हैं, हम लोग सब ठाकुर जी से ही हम हुए हैं।
वो कहते थे कि महापुरुष अगर उसी समय अगर बंदर का पूछ कटते कटते इंसान हो गया, अभी दुनिया में कितने बंदर घूम रहा है, तो अभी तो कोई बंदर का पूछ कटते कटते कोई इंसान हो गया, उसी समय क्यों हुआ, अभी क्यों एक बंदर इंसान नहीं बन रहा है, अभी तो बन सकता था। फिर डार्विन ये मरने से पहले ये बात बोल कर गया, बोले कभी भी बंदर से इंसान बन ही नहीं सकता है, कभी बन ही नहीं सकता है बंदर से। ये सरकार ने मेरे को प्रेशर दिया था, तुम ये प्रूव करके दिखा दो ये बंदर से कैसे इंसान हुआ। बोले क्यों, लोगों को नास्तिक नहीं बनाते, लोग सब नास्तिक भगवान भगवान को नहीं माने, सब बंदर से हुए। लेकिन देखो भगवत गीता देखो, कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता, कृष्ण स्वयं अपना को हाथ दिखा कर कहते हैं, बोले हे अर्जुन जगत का पिता माता कौन है, यही श्लोक का ट्रांसलेशन है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्यां द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव। इस श्लोक का ट्रांसलेशन हिंदी में है। इसलिए हम लोग भगवान से हुए, एक बंदर को ले लो और भगवान कृष्ण है, कहा है छवि है कि नहीं यहाँ पर कि भगवान कृष्ण छवि है, इसलिए भगवान कृष्ण ने तो राम को लो और हमारे रूप में मिला, मिलेगा कि नहीं, भगवान राम कृष्ण का नाग जैसे हमारे भी नाग ऐसे, भगवान की आंखें जैसे हमारी आंख भी वैसे हैं, भगवान के दो हाथ हमारे कितना हाथ, चार हाथ में दो हाथ है, भगवान की 32 दांत हमारे कितना 32 दांत है, ठाकुर का जैसे प्यार हमारा प्यार ऐसे है कि नहीं, आप बताओ हमारे चेहरा बंदर का कौन सा अंगों के साथ मिलता है, उसका हाथों में ना प्यार में ना आंखों में किस चीज में मिलेगा। इसलिए हम कोई भी बंदर नहीं हुए, ये थ्योरी अमेरिका में नहीं पढ़ाया जाता, ये भारत में पढ़ाया जाता है, वो अमेरिका में नहीं पढ़ाया जाता है ये थ्योरी, केवल और भारत में, क्यों कि डार्विन को बोले लोग नास्तिक बन जाए, भगवान की भक्ति भक्ति छोड़ दे। इसलिए देखो इसका प्रमाण, देखो तुम्हारी गोत्र क्या है, गर्भ, तुम्हारी गोत्र, तुम्हारी गोत्र बोलो आपका गोत्र, आप देखना यहाँ पर सभी का अलग अलग गोत्र, गोत्र आया कहाँ से, जिस ऋषि से हम हुए हैं, जिस ऋषि की परंपरा में हुए हैं, हमारी वही गोत्र है। इसलिए ब्रह्मा जी जस संतान को हमने जन्म दिया है, जिस परंपरा से हम लोग श्रेष्ठ, हमारी परंपरा है ना, हमारी वही गोत्र हमारी वही बन गई। इसलिए हम लोग कोई भी बंदर से नहीं हुए, किससे हुए है? एक समय साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है चीज को, बोले एक बंदर का ब्रेन को उन्होंने किसी इंसान के ब्रेन में लगाने के लिए कोशिश की, जिसे बंदर छलांग लगाते हैं ना, इंसान भी ऐसे छलांग लगाना शुरू कर दिया, बोले उसका एक पार्ट से भी बदला नहीं सकते हैं, हैं? उसका बंदर जैसे छलांग लगाता ना इंसान, इसलिए उसकी कोई भी चीज हमारे शरीर में फिट नहीं हो सकती है, तो पूरा कैसे बंदर इंसान कैसे हो गया बंदर, इसलिए हम कोई बंदर से नहीं, इसलिए चीज हमें नहीं माननी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम सबके सब श्री ठाकुर जी से, हम भगवान से हुए हैं। इसलिए हाँ देखो आपको एक सुंदर दो स्टोरी सुना देता, ये चीज को ध्यान रखो, कोई कहीं कहते हैं ना अरे भगवान भगवान कुछ ने देखा है, जो चीज को देखा नहीं हम वो चीज को कैसे मान सकते हैं। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुना। चलो एक समय आप लोगों ने अकबर का नाम सुना होगा और बीरबल का नाम सुने होंगे। एक समय अकबर ने बीरबल को दो प्रश्न किया है, उसका प्रश्न था भगवान है तो कहाँ है, अगर भगवान है तो क्या कर रहे। उसने बीरबल को दो क्वेश्चन की, बोले ये दो दिन में इसका आंसर देना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। अभी बीरबल तो बड़ी चिंता में पड़ गया, बोले भैया भगवान है तो कहाँ, मेरे को क्या पता, फिर है तो कर रहे हैं क्या, अरे मेरे को क्या पता भगवान क्या कर रहे। वो घर में आकर के खाना पीना सब छोड़ छाड़ दिया, एकदम गुमसुम हो गया। उसको बेटा ने कहा पिताजी क्या बात, अब राजभवन से आकर के गुमसुम हो गए हो, बोले तू बच्चा तू नहीं समझोगे, तू जा यहाँ से। बोले पिता बता तो सही बात क्या। बोले बेटा राजा ने मेरे को ये दो प्रश्न की और इसका दो दिन में आंसर चाहिए नहीं तो मेरी नौकरी जाएगी, नौकरी जाएगी तो मैं तुमको कैसे पालन पोषण करूंगा। बोले पिताजी इतनी से छोटी बात के लिए आप इतना चिंता में पड़ेंगे, कोई चिंता मत करो, आप खूब खाओ पियो, जब जाओ ना मेरे को साथ में ले चलना,
अगर राजा अगर क्वेश्चन करे आप ये बताना कि कौन सा बड़ी भारी क्वेश्चन ये छोटा बेटा कर आंसर दे सकता है। बोले तो आंसर दे दो। बोले पिता ये कोई प्रश्न है, कोई चिंता मत करो, खाओ पियो, अभी दो दिन बाद में। बीरबल ने अपना छोटे बेटे को लेकर गया, राजा ने पूछा मेरे दो क्वेश्चन का आंसर लाए। बोले महाराज जी मेरे छोटा बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है। बोले ये दे देगा। बोले हाँ। बोले पूछा बताओ भगवान है तो कहाँ है, देखो आप लोग भी इसको याद कर लेना, भगवान है तो कहाँ है। इतने में बच्चा ने कहा महाराज जी 10 किलो दूध मंगा। उन्होंने 10 किलो दूध मंगाए। बोले महाराज बताओ ये दूध में घी है कि नहीं। बोले घी है। बोले मेरे को दिखा घी कहाँ है। बोले घी थोड़ी ऐसे निकल जाएगी, पहले उसको गर्म करो, अरे जमा, फिर उसको मंथन करो, फिर मक्खन निकलेगा। मक्खन को जब गर्म करो क्या निकलेगा, घी। बोले महाराज ये दूध में घी है लेकिन इसका प्रोसेस है, उसको प्रोसेस है तभी जाकर कहीं घी निकलता है। आप कह रहे हो भगवान दिखाओ, भगवान कोई लड्डू थोड़ी बनाया और खा लिया। कितना जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आप बतनाई। ये जन्म जन्मांतर तक ऋषि लोग तपस्या करने पर भी अंतिम समय में प्रभु का नाम नहीं निकलता है। हैं? बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशो जाय निरंतर ध्यामे, ऐसे भगवान हैं। कहते यद्यपि समाधि सु विधिरपि पश्यति, मतलब विधि मतलब ब्रह्मा वो कठोर तपस्या करता है भगवत दर्शन के लिए। बोले यद्यपि समाधि सु विधिरपि पश्यति नतव नखाग्र मरीचि, भगवत दर्शन तो दूर की बात है, ठाकुर जी की चरण की नख की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते कौन, ब्रह्मा। क्योंकि कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं अर्जुन माम उपद्रुत कंत या पुनर्जन्म न विद्यते, जीव अगर मेरे को प्राप्त कर लेता है जन्म जन्मांतर का दुख कष्ट से चिरकाल मुक्त होकर मेरे धाम में चले आता है। आप कह रहे हो भगवान का लड्डू कोई थोड़ी भगवान के दिखाओ, ऋषि मुनि लोग क्यों तपस्या करते, महाराज आपको साधन करना पड़ेगा। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं आदो श्रद्धा तत साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्त रुचि निष्ठा आसक्ति भाव प्रेम और प्रेमावस्था में ही कृष्ण दर्शन, ये अष्टम स्टेज है प्रेमावस्था है। जो उन्होंने ये बात बताए ना राजा तो देखते रह गए। बोले छोटा बच्चा कितने बढ़िया बात बताए। बोले आंसर मिल गया। बोले हाँ। बोले उनका दूसरा प्रश्न क्या था, बोले जोर से क्या कर रहे भगवान है तो क्या कर रहे हैं। बोले दूसरा क्वेश्चन पूछा तो बच्चा ने कहा महाराज कौन प्रश्न कर रहा है। बोले मैं। बोले उत्तर कौन देगा, बोले तू। बोले प्रभु ये गीता में कृष्ण कहते हैं अगर कोई आध्यात्मिक क्वेश्चन हो उसका 3 प्रोसेस बताया। बोले क्या है, बोले तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। अगर कोई ब्रह्म विद्या तुम्हें प्राप्त करना अगर किसी साधु के पास में जाते हो 3 फॉर्मूला से आपको पूछना चाहिए। बोले पहला प्रणिपात, पहले जाकर प्रणाम करो चरणों में, उसको बाद में उनकी सेवा करो। जब संतों की सेवा करोगे चरण में शरणागत होगे, जब संत कृपा करेगा फिर जाकर के बताएगा भैया प्रभु कैसे प्राप्ति होगी, प्रभु क्या कर रहे हैं। आप प्रश्न कर रहे हो मतलब आप हुए स्टूडेंट, मैं आंसर दूंगा मतलब मैं हो गया टीचर, मतलब टीचर कहाँ बैठना है स्टूडेंट कहाँ बैठता है, मैं हो गया टीचर ना, मैं टीचर नीचे खड़ा हूँ स्टूडेंट आप ऊपर बैठो, नीचे उतर पहले मेरे को ऊपर बैठा और मेरे को हाथ जोड़ करके प्रश्न करना था, फंस गया। अभी इसको वहां से उतार करके उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रश्न की। बोले बताओ भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं। बोले भगवान तो यही कर रहे हैं, भगवान 1 सेकंड में रंक को राजा बना सकता है, राजा को रंक बना सकता है, मच्छर को ब्रह्मा, ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। 1 सेकंड पहले आप राजा थे, ठाकुर आप नीचे उतार दिया, मैं आपका प्रजा और मेरे को ठाकुर जी सिंहासन में बैठा दिया, आप नीचे उतार दिया। राजा तो सुन सुन करके बोले वाह बच्चा ने क्या आंसर दिया है। देखो इसलिए कभी कभी हम लोग भक्ति करते हैं ना, कभी कभी लोग हमें कहते हैं अरे भगवान भगवान तुमने कहीं देखा थोड़ी है, हैं? जो देखा नहीं वो चीज वो कैसे मानेंगे। नहीं दुनिया में हम बहुत सारी चीजें नहीं दिख रहे, बताओ मन दिख रहा है, हवा दिखती है, बिजली दिखती है, लेकिन मानते भी नहीं वो चीज को, हम मानते हैं। देखो और एक छोटी कथा सुनाता हूँ, बड़े
महत्वपूर्ण कथा है। आप लोगों ने न्यूटन का नाम सुने होंगे, हैं? न्यूटन का नाम सुने होंगे। कहते एक समय जितने सब साइंटिस्ट सब एकत्रित हो रहे थे, बोले क्यों? बोले ये चीज को डिस्कशन करने के लिए सचमुच भगवान है क्या नहीं, ना ये दुनिया अपने आप बन गया। इनका विषय वस्तु यही था, कन्फेशन यही था। हम विचार करेंगे सारे साइंटिस्ट लोग, क्या सचमुच दुनिया को किसने बनाया, ना दुनिया अपने आप बन गया, ना भगवान का नाम का कोई चीज एक है। केवल इसी विषय पर सारे साइंटिस्ट एकत्रित हो रहे थे। अभी न्यूटन ने, लेकिन वो ठाकुर को मानता था, क्यों? वो रिसर्च करते 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 देखता था तो उनका दिमाग कहीं नहीं जाता था, समझता था नहीं भैया कोई एक व्यक्ति है। जैसे ये मंदिर चल रहा है, ये मंदिर ऐसे क्या चल रहा है? पूछो कितने लोग काम करते होंगे, 8-10 लोग यहाँ काम कर सेवा कर रहे हैं। कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई भोग लगा रहा है, कोई मंदिर साफ करता है, कोई फूल की माला बनाता है, कोई ठाकुर को पूजा कर रहा है, कोई रसोई बना रहा है। 8-10 व्यक्ति यहाँ काम कर रहे हैं, ये छोटी सी जाति किस तरह से चल रहा है। अरे दुनिया के देखो, अपने आप एक सैटेलाइट होता है ना, जो मोबाइल सब काम इंटरनेट काम करता है, ऐसे काम कर रहा है वो, ऐसे नहीं काम कर रहा है, है? वो ऐसे नहीं काम कर रहा है सबके सब। इसलिए फिर ये दुनिया की अपने आप सूरज उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, भले ही हम सो करके उठने में 10 मिनट देर हो जाए, सूरज उदय होने में 10 मिनट देर होता है, ये हवा बहने में कोई देर लगती है, 1 सेकंड 1 मिनट हवा बंद हो जाए सबकी हवा बंद हो जाएगी, है? सबकी हवा बंद हो जाएगी। इसलिए वो मानता था भैया कोई एक दिव्य शक्ति है जिसको द्वारा ये सारे काम हो रहा है। उसने क्या किया, जो बहुत बड़े का हाल लिया था, उसने जब उसमें प्रवेश करेंगे ना, वहां पर उसने एक सोलर सिस्टम बनाया बहुत सुंदर, कौन सा ग्रह कहाँ काम पर कैसे काम कर रहा है, और बड़ा सुंदर प्रकृति कैसे झरना बह रही है, कैसे बड़े सुंदर घास, सुंदर एक चीज उन्होंने बनाई। जब बनाई सबके सब जब अंदर में प्रवेश कर रहे थे, वहां सबके सब खड़े होकर के, वाह इतने सुंदर चीज किसने बनाया, सबके सब खड़े होकर के सबके सब देख रहे थे, वाह बड़ा गजब का बनाया, किसने बनाया इसको इतना परफेक्ट। अभी जो मीटिंग हुई, मीटिंग में सब लोग जो कुछ बोलना बोले, हैं जगत के सृष्टि हुआ, बिग बैंग थ्योरी है, कैसे बास्ट हुई बोम, बास्ट होकर दुनिया सृष्टि हो गई, अलग अलग सब थ्योरी है। पर लास्ट में ये न्यूटन ने बोला, देखो आप लोग जो अंदर में प्रवेश कर रहे थे, वहां पर एक सोलर सिस्टम बनाया हुआ, आप लोगों ने देखे हो? बोले हाँ हम लोगों ने देखा है। बोले बोले बड़ा सुंदर बना हुआ था, बड़ा सुंदर है। तब सब लोग ने पूछे भैया बनाया किसने? न्यूटन ने कहा नहीं, किसने बनाया नहीं, वो अपने आप हो गया, उसको किसने बनाया नहीं, वो अपने आप हो गया। साइंटिस्ट लोग ने कहा पागल, क्या अपने आप कोई चीज हो जाता है, उसको तो कोई बनाया होगा ना। तब न्यूटन ने कहा देखो तुम सब लोग में इतनी सी बात में समझाना चाह रहा था, क्या समझाना चाह रहा था, ये छोटी सी चीज है, बिना बनाए ये नहीं बन सकता है, लेकिन सारा दुनिया में देखो, सारा दुनिया अपने आप फूल में जो इतना तो रंग भरा हुआ, अब देखना एक सीजन के बाद में ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीता बसंत, एक ऋतु के बाद में एक ऋतु, हर सीजन में देखना अलग अलग सब्जी है, एक ही सब्जी एक सीजन में नहीं आता है, अलग 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 सीजन में अलग अलग फूल है, हर चीज देखना अपने आप जैसे हो रहा है। भैया इसको पीछे अगर कोई नहीं होता ये दुनिया अपने आप हो जाता। इसलिए भागवत में कपिल देव अपना माँ को ये कह रहे हैं, देखो ये श्लोक है, बोले मत भयात पातिवात त्वयम् सूर्यास्तपति, मत भयात वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु स्मरति मत भयात। भगवान स्वयं कह रहे हैं, बोले माँ ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हम कहते हैं ना ठाकुर को इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता। भगवान कपिल देव कह रहे हैं, हैं? भगवान स्वयं कहते हैं कि जो हवा बहती है, ये जो चंद्र सूर्य उदय होते हैं मेरी इच्छा से मेरे आदेश पर, अग्नि जो जलाती मेरे आदेश पर, विश्व ब्रह्मांड में जो हो रहा है भैया मेरे इशारा पर ही सब कुछ हो रहा है, हैं? इसलिए उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। इसलिए यहाँ पर श्री सृष्टि का क्रम वर्णना हुई है, सर्वप्रथम मनु महाराज से हुए है, इसलिए एक ग्रंथ है जिसका नाम कहते हैं मनु संहिता। ये ग्रंथों का आप लोग जरूर पढ़ना,
हम तो संसार में पति पत्नी में कैसे व्यवहार रखनी चाहिए, बच्चों का प्रति कैसे, पिता माता का प्रति कैसे, गुरुजन का प्रति कैसे। इसलिए मनु महाराज ने ये मनु संहिता को बनाए, ये सृष्टि जैसे बहुत अच्छे तरह से ये सृष्टि कैसे चल सकता है वो मनु स्मृति को उन्होंने बनाए, मनु संहिता को उन्होंने बनाए। इसलिए यहाँ पर जो कथा आती है कहते माता देहूति की, यहाँ पर कथा आती है कहते माता देहूति जब कर्दम ऋषि ने तपस्या की, ठाकुर जी प्रसन्न होकर बोले वर मांगो। बोले ठाकुर जी मेरे मन में तो कोई संसार की इच्छा है ही नहीं, लेकिन आपकी इच्छा संसार का क्रम को बढ़े, लेकिन आपकी इच्छा जान करके मैं शादी करूंगा, लेकिन दो शर्त है। बोले बताओ क्या शर्त। बोले पहला शर्त है अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे तो मैं शादी करूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, तेरा बेटा बन जाऊंगा। बोले और क्या बताओ। बोले तब तक संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए, फिर भजन करने के लिए चला जाऊं। बोले कोई बात नहीं, उन्हें दो वरदान दे दिए। फिर तो माता देहू से कर्दम का शादी हो गई, शादी को बाद में फिर कर्दम ऋषि भजन में बैठ गए 10,000 साल तक। और तो माता देहूती बड़ी पतिव्रता धर्म को निभाते हुए पति की सेवा की। जब 10,000 साल समाप्त हुई, जब आंख खुले, कर्दम ऋषि ये भूल गए मैंने कभी शादी नहीं किया है। सामने देखा है कि बुढ़िया बैठी है। कौन बुढ़िया थी? कहते इनकी पत्नी श्री माता देहूती। लेकिन पति की सेवा करते 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 बुढ़ी बन गई। बोले बुढ़ी क्यों बन गई? बोले पति भजन नहीं कर रहे, अभी पत्नी कैसे भजन करेगी? पति कोई श्रृंगार नहीं कर रहे, ये कैसे श्रृंगार करेगी? इसलिए उनके केस एकदम जटाजुट हो गई। पति की सेवा करते करते देखो जो पति व्रता धर्म जाजन करते, कितने शक्ति देखो, कितने शक्ति देखो हैं। अभी ऋषि वर प्रसन्न हो गए। वो पहले इतने सुंदर थी, कहते जब आकृति देहूति प्रसूति जब ये आंगन में खेलती थी ना, देवता भी जिनकी दर्शन करते हुए मुक्त हो जाते थे, इतने सुंदरी। लेकिन पति सेवा करते करते वृद्धा हो गई और जटाजुट हो गई। देखो एक शिक्षा देते ही मैंने अपना गांव में देखा है, हमारे घर में जो माता है ना, ये किसके बच्चे भाई बात कर रहे हैं। इसलिए कहते हमारे घर में जो माताएं थी वो सगर मैंने नहीं देखा कभी श्रृंगार करते हुए अपना माताओं को। हम देखता था शाम को माता ही श्रृंगार करती थी। बोले क्यों? बोले माताओं का श्रृंगार किसके लिए? पति के लिए, दूसरे पुरुष के लिए इनके श्रृंगार नहीं है। पति तो दिन भर काम करने जाता है, वो शाम का पति आएगा। इसलिए मैं देखता था हमारी माताएं शाम को अपना श्रृंगार करती, फिर घर में पति वापस आएगा है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है, जो माताएं सर को ऊपर जो कपड़ा ढकते हैं, ये हमारी संस्कृति है ना, सर में कपड़ा ढकने का, ये हमारी संस्कृति है कि नहीं? बोले सर को ऊपर क्यों कपड़ा ढकती है? कारण क्या है? कहते स्त्रियों का जो सुंदरता वो दूसरे पुरुष के लिए नहीं, इसकी सुंदरता तो केवल अपना पति के लिए ही अपना सुंदरता है। इसलिए हमारी वैदिक की ये संस्कृति है। और देखो पति सेवा करने का क्या महत्व है। अभी उसने पतिव्रता धर्म को जाचने की। बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोले आपने शादी क्यों किया था? आप बोले थे ना भगवान बेटे बन करके आए, अब भगवान बेटे ही बनी नहीं। बोले काम कर जाओ, ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। वो स्नान करते ही वो पहले जितने सुंदर थी ना उससे भी ज्यादा सुंदर बन गई। और उन्होंने एक विमान प्रकट किया जिनका नाम था कामक विमान। देखो पहले का जो साइंस है अभी का साइंस बहुत एडवांस है। अभी जो कुछ वो एटम बम एरोप्लेन जो जो निकलता है ना वो कहाँ से सीखे? पहले सुने होंगे ना रावण का पुष्पक विमान था। देखो ये इनका कामक विमान है, अभी तो पेट्रोल से चलता है, लेकिन इसका नाम कामक। कामक मतलब कोई पेट्रोल डीजल की कोई जरूरत नहीं, जैसे चाहोगे वैसे उड़ेगा। और बनना की है उसमें जो बैठेगा ना कभी बूढ़ा बूढ़ी नहीं होगा, उसको कभी भूख नहीं लगेगा। जिसमें सुंदर राज महल बनी हुई, सुंदर सरोवर जहां पर सुंदर राज हंस क्रीड़ा करते हैं, चार तरह का कमल फूल खिले हुए, अद्भुत वर्णना की है वो विमान कैसे है। और जैसे चाहोगे आकाश में वैसे उड़ते रहेगा। और उनकी सुंदर सुंदर नाट और बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बेटी हुई। कर्दम ऋषि बोले क्यों देहूति अभी तो खुश हो गई, तुम्हारी नौ नौ बेटी हो गई। बोले नहीं। बोले क्यों?
बोले बेटी आप तो शादी करके अपना ससुर घर चली जाएगी, अभी मेरे पास में कौन रहेंगे। अब ठाकुर जी बोले थे ना बेटे बन करके आएंगे, तब कर्दम ऋषि की जब सेवा की ठाकुर स्वयं इनकी बेटा बन करके आए। बोले श्री कपिल भगवान की, जब ठाकुर जी बेटे बने, देखो घर में आप लोगों ने बेटियों को शादी किए हो, कौन कौन बेटियों की शादी करवाए हाथ उठा, तो हाथ उठा कौन कौन एक की बेटियों की शादी करवाए। आप देखना जब घर में एक बेटी की शादी करवाओ ना घर खाली हो जाता है, लेकिन इनके घर में कितने बेटियां हैं बोलो। अभी नौ बेटियों का शादी करना भी साधारण बात है, कितना कठिन होगा। लेकिन यहाँ पर शिक्षा देते हैं कितना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। आप लोगों ने नरसिंह भगत का नाम सुने होंगे, ये दिन रात प्रभु की भजन करता था, भक्ति करता था। अभी घर में इसकी बेटी है, अरे बताओ बेटी की शादी कौन करवाएगा, इधर दिन भर भजन कर रहा है। भगवान स्वयं बांके बिहारी सावरिया सेठ बन करके ठाकुर जी आते हैं और ऐसे उन्होंने शादी कराए ना नरसिंह भगत है इसकी बेटी की, अरब खरब पति भी शादी नहीं करा सकते। इसलिए अभी इनके घर में नौ नौ बेटी, अभी इनको तो भक्ति करने के लिए जाना, भजन कर रहे हैं। एक समय ब्रह्मा जी अपना नौ बेटों को लेकर के आए कर्दम ऋषि को पास में, उनके नौ बेटे और इनकी नौ बेटी। बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, शुभम शीघ्रम शुभ काम शीघ्र कर दो। एक साथ में उन्होंने नौ बेटियों को बिताई, हो गई घर एकदम खाली, घर में हो गए तीन व्यक्ति हैं, पिता माता और बेटा। और श्री कर्दम ऋषि भजन करने के लिए, श्री कर्दम ऋषि भजन के लिए चले गए। तब यहाँ पर प्रश्न होता है, देखो ध्यान देकर सुनो ये चीज को अच्छे तरह समझो। अब यहाँ प्रश्न होता है भैया भजन तुम किसको करने के लिए जा रहे हो। बोले भगवान को। बोले भगवान तो तेरे घर में बैठे, इनके घर में भगवान कपिल देव इनके घर में है ना, है फिर कर्दम ऋषि पर भजन करने के लिए बाहर कहाँ जा रहे, घर में ठाकुर तेरे बैठे हुए, पर बाहर तुम किसको भगवान को पर भजन के लिए क्यों जा रहे। यहाँ पर शिक्षा दिया, जब तक हम साधन नहीं करेंगे भक्ति नहीं करेंगे ना भगवत प्राप्ति अधूरी है, पूर्ण नहीं है। अगर प्रेम के बगैर जब साधन करेंगे हृदय में प्रेम प्रकट होगा, जब हृदय में प्रेम प्रकट होगा वो प्रेम से ही ठाकुर का दर्शन होता है। अगर प्रेम है नहीं हृदय में, अगर ठाकुर जी के दर्शन भी हो गया ना कोई लाभ नहीं। जैसे अब बताओ रावण ने राम को देखा कि नहीं, अरे बोलो रावण ने राम को देखा कि नहीं, देखा। लेकिन उसने क्या किया, शत्रु रूप में देखा ना, शत्रु रूप में देखा ना जी। और सीता को उठा कर ले गया। आप बताओ मेघनाद ने लक्ष्मण राम को देखा कि नहीं, देखा। फिर उसने क्या किया, लक्ष्मण को ऊपर में शक्ति सेल के प्रहार की, राम लक्ष्मण को नाग पास बंधन में बांध दिया। बताओ कंस ने कृष्ण को देखा कि नहीं, फिर क्या किया था, मारने की चेष्टा की। अभी बताओ शिशुपाल ने कृष्ण को देखा कि नहीं, फिर उसने क्या किया था, सौ गालियां निकली, 101 गाली निकाली। ठाकुर जी खड़े हुए गाली को ऊपर गाली, अब 10 गाली को पास में गाली नहीं रहेगा, लेकिन भगवान उसने 101 गाली निकाल दी। ये चीज को समझो, यहाँ पर शिक्षा देते हैं जीवन में हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं, लक्ष्य है प्रेम। अगर हृदय में प्रेम होना, हृदय में तुम्हारी प्रेम है, जैसे ध्रुव ने तपस्या की भगवान वैकुंठ छोड़ करके ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आए, दर्शन करने ठाकुर जी आए। जैसे गोपियां भक्ति करती थी रोज कन्या घर में जा जाकर मक्खन चोरी करते थे, प्रभु रोज दर्शन देते। इसलिए हृदय में अगर प्रेम प्रकट हो जाए ना फिर प्रभु कहीं दूर नहीं। अगर हृदय में प्रेम नहीं, अगर भगवान को दर्शन भी हो जाए कहते भैया कोई लाभ नहीं। इसलिए इनके घर में ठाकुर थे लेकिन भक्ति करने के लिए गए, क्यों, हृदय में प्रेम आनी चाहिए। जब वो भक्ति करने चले गए घर में केवल दो व्यक्ति रह गए, माँ और बेटा, केवल दो व्यक्ति रह गए। लेकिन माँ को पता मेरे बेटा कौन भगवान है। एक दिन माँ आकर के बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा भटकता है, कभी पीहर में कभी ससुराल में कभी बेटे में कभी नाती में कभी पोतीन में, मन बड़ा भटकता है, बताओ मेरी कल्याण कैसे होगा। अरे भगवान अपना माँ को उपलक्ष्य करते हुए उनने क्या सुंदर ज्ञान बताए,
अगर इसको केवल पार करना ये 8-10 दिन लगेगा। उन्होंने जो ज्ञान की बात बताई, बोले माँ ये जो मन है ये मैं नहीं, यही मन ही मैं नहीं, इसी मन को जब प्रभु की भजन में लगा दो ये मुक्ति के कारण बनती है, लेकिन ये मन को जो विषय में लगा दो माँ ये बंधन का कारण बन जाएगी। इसलिए माँ क्या करो, ये मन को तो भगवान की चरण में लगा दो। बोले बेटा बोलना जितना सहज, करना इतना सहज नहीं, बताओ कैसे ये मन को लगाए। बोले माँ बोले सतरंग प्रसंगात मम बीर्ज संबितो भवति हित कर्ण रसायन कथा। बोले माँ केवल मेरे भक्तों की संग करो, मेरे भक्तों की संग में मेरी कथा सुनो, मेरी कथा सुनते सुनते आ प वर्ग वर्ग बनी। प वर्ग मतलब होता है प भ ब भ और म, आप लोग पढ़े होंगे कचड़ थव गजड़ थव, ये प वर्ग में प फ ब भ और म, ये 5 अक्षर है। बोले माँ अगर तू सत्संग करोगे ये मान जो प वर्ग है, प मतलब परिश्रम, फ मतलब फेर व झांक, ब मतलब व्यर्थता, बोले भ मतलब भय, म मतलब मृत्यु। बोले माँ अगर तू सत्संग करोगे, सत्संग से ही संपूर्ण संसार के सारे बंधन से मुक्त होकर के तुम ये मृत्यु को भी जय करते हुए प्रभु की चरणों को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए कबीर जी कहते हैं संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, और बिगड़ी बनेगी तेरे किस्मत जगेगी। इसलिए संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। माँ केवल तुम संतों की संग करो। बोले बाबा तुम तो बोल दिया सत्संग करो, लेकिन सत्संग जो जो बताए भाई संतों का कुछ लक्षण भी तो होनी चाहिए ना। आप विषय से करें कलयुग में तो संतों को बेचना बड़ा कठिन है, लेकिन हम संत किसको कहते हैं, ऊपर में जो चोला पहने, टीका लगाए, कंठी माला, वस्त्र धारण करे, हम उसको ही संत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं संतों का 2 लक्षण है, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। ये चीज को अच्छी तरह समझो, स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण मतलब होता है, तटस्थ मतलब होता है बाहर का लक्षण, स्वरूप मतलब होता है जो अंदर लक्षण है। तो यहाँ पर भगवान ने स्वयं संतों की लक्षण बताए। बोले तिथि सबकारुणिक सुहृद सर्पदेहिना अजात शास्त्र बसंत साधु भी साधु भूषण। बोले मात संतों का सर्वप्रथम लक्षण तितिक सव, तितिक सव मतलब होता है सहन शक्ति। कहते ना जो सहे सो रहे और जो नाश है वो नाश है, और भगवान की भक्ति में तो बड़ी बड़ी बात आई। मीरा का नाम सुने होंगे, जो भजन की उसका पूरा परिवार ही पीछे पड़ गए, सास ननद भाई पुत्र परिवार, गांव के कुत्ता तक भी उसको पीछा नहीं छोड़ी। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक संत होंगे जिनका नाम था श्री हरिदास ठाकुर, ये ब्रह्मा का अवतार है, ये तो जन्म लिए थे जवन कुल में, लेकिन वो पूर्व जन्म में ब्रह्मा प्रहलाद मिल करके हरिदास ठाकुर हुए, चैतन्य महाप्रभु का भक्त, दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे। 1 लाख हरिनाम तो जोर जोर से एक बार आप लोग बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 जोर जोर से करते थे। इसने पूछा भैया तू जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर क्यों कर रहे हो, हमने सुना भजन मन मन में करते, तू जोर जोर से क्यों कर रहे हो। देखो वो आंसर क्या देते हैं, तो उन्होंने पूछा ये बताओ और एक व्यक्ति कमा के तू पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ दोनों में बड़ी कौन। बोले जो परिवार को खिलाता है, बोले उसी तरह जो मन मन में भजन करता है वो अपना कल्याण चिंता करता है, लेकिन जो जोर जोर से हरि नाम करे जैसे लता पता पेड़ पौधा पशु कोई भगवान के नाम नहीं ले सकते हैं, तो उन्हीं को कहने में जब ठाकुर का नाम पड़े उनका भी कल्याण होता है। हैं जैसे एक पत्थर को पानी में फेंको, देखना उसमें लहरी आती है, जब हम भगवान के नाम जप करते हैं ठाकुर का कीर्तन करके इसका प्रतिध्वनि भी चारों तरफ में बिखरती है, तो जितने दूर तक इसकी आवाज जाए
तब किसी तरह का दुख और कष्ट वहां पर किसी तरह का रोग बीमारी वहां रह ही नहीं सकते। इसलिए बोले मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी का नाम है। इसलिए जब वो हरि नाम करते थे उसी समय में मुसलमान राजा बोले तू कितने भाग्य से तो मुसलमान घर में जन्म लिया, हम हिंदुओं का परछाई छूने पर स्नान करते हैं और तू मुसलमान घर में जन्म लेकर हरे कृष्ण तो हिंदुओं का ठाकुर का नाम जब खबरदार ये हरे कृष्ण नाम नहीं कर सकते। उसने कहा देखो भगवान थोड़ी दो है, भगवान तो एक है, भगवान एक है, उसका अलग अलग नाम है। मेरे को अच्छा लगता है ठाकुर का नाम जप करने का, ये हरे कृष्ण नाम लेने के लिए खबरदार ये हरि नाम नहीं कर सकते हो, नहीं तो तुमको बाईस बाजार में ऐसे पिटाई करेंगे, तुम्हारी छाल उतार देंगे। उसने कहा भैया मेरे शरीर को बोटी बोटी कर एक काट डालो, हम भगवान के नाम नहीं छोड़ सकते। उसको 22 बाजार में पिटाई की, ठाकुर स्वयं वैकुंठ से उतर